प्रिंसिपल है तो छात्र हम, अगर वो हमारा बात नहीं सुनेगा तो हम भी उनका बात नहीं सुनेंगे। सर हम लोग के बात सुनने के डर से गर्ल्स कॉमन रूम में जाग बैठ जाते हैं। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। पटना कॉलेज के जो छात्र हैं वो गेट को पीटने हैं। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफिस के गेट को पीटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आपको दिख सकता है कि किस तरह से जो गेट है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रिंसिपल वाले हैं और आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से तो गेट तोड़ रहे हैं। जब तक प्रिंसिपल नहीं आके बात करेंगे और छात्रों का हॉस्टल खोलने की बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग यही रहेंगे। गेट तोड़ना पड़े, ऑफिस तोड़ना पड़े, जो करना पड़े। प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल है तो छात्र हम, छात्र से वो है, छात्र का नौकर है वो। अगर वो हमारा बात नहीं सुनेगा तो हम भी उनका बात नहीं सुनेंगे। प्रिंसिपल का किस तरह से जो लोग हैं वो पुतला लेके पहुंचे हुए हैं और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बवाल हो रहा है। पटना कॉलेज के जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर और सारे लोग जो है वो गेट तोड़ने पे के लिए कह रहे हैं। और आपको दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन, देखिए पुलिस प्रशासन है जो धक्का मुक्की कर रही है प्रशासन के साथ। और हम आपको दिखा रहे हैं जो नजारा है प्रिंसिपल ऑफिस, यहाँ देखिए गेट पर चढ़ गए हैं। ये प्रिंसिपल ऑफिस का गेट है और सारे लोग जो है वो पुतला लेके गेट पर चढ़ गए हैं। पटना कॉलेज का नजारा दिखा रहे हैं कि हाथों में पुतला है और हॉस्टल की मांग को लेकर सारे लोग जो है वो धक्का मुक्की कर रहे हैं। प्रशासन आ चुकी है लेकिन उसके बाद भी जाने की नहीं मांग। देखिए किस तरह से जो ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, उसके सामने पुतला दहन करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा पुलिस समझा रही है, धक्का कर रही है। देखिए लाइटर हाथ में, देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो धक्का मुक्की कर रहे हैं। और किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है और धक्का मुक्की कर रही है। सब लोग की बात करवाना है तो कराइए। और यही में फूक हाथ में पुतला है और प्रशासन जो है वो समझा रही है, खेल रही है। देखिए प्रशासन से हाथापाई हो रही है और गुस्से में पूरा छात्र जो प्रिंसिपल ऑफिस के गेट पर चढ़े हुए हैं और धक्का मुक्की हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जो माहौल है वो पूरा बदला हुआ है। देखिए धक्का मुक्की चालू है और माहौल बना हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का माहौल है जो पटना कॉलेज के अंदर का है। और सारे लोग जो हैं वो पुलिस से भिड़ रहे हैं और पूछेंगे जरूर। तो पुलिस से भिड़ रहे हैं आप लोग? भिड़ेंगे नहीं, हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है, मरे इन लोग को आगे कर दिया। बताइए इन लोग का बाल बच्चा नहीं है, इन लोग का बताइए कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो आप लोग को धक्का मार के फिर से भगा रही है। हम लोग हमारा लड़ाई पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन से है, सीधा सीधी, और किसी से नहीं है। किसी से नहीं है। हॉस्टल खुलना चाहिए तो खुलना चाहिए अच्छे से। बिल्कुल सभी छात्र। सर हम लोग के बात सुनने के डर से गर्ल्स कॉमन रूम में जाग बैठ जाते हैं। देखिए गर्ल्स कॉमन रूम में हम कितना बार हैं, गर्ल्स कॉमन रूम में चल जाते हैं, बोलते हैं ये नहीं है। देखिए जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, सब लोग देखिए धक्का मुक्की हो रहा है और पुलिस प्रशासन फिर से आप लोगों को धक्का दे रहा है। हम लोग रोड पर आज 10 दिन से घूम रहे हैं, आज प्रशासन को जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन को जो हम लोग का हॉस्टल खोल दे। और हम लोग आप शांतिपूर्ण तरीका से रहने वाले छात्र, हम लोगों को क्रिमिनल बोला जाता है डीन की तरफ। चलिए देखिए कि जो बवाल है वो और बढ़ चुका है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस पे पहुंच गए हैं छात्र और गेट तोड़ रहे हैं। साफ कहने की अन्याय नहीं सहेंगे। किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रही, बात नहीं दिख रहा। बस लाइव सीरीज के साथ बताया, मैं चैनल की सुनता है कि रिव्यू पेश कर लेकर। धन्यवाद।